तो गाइस यहाँ पे देख रहे हो भाई, ये रे भाई अपने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ जो कितने सुंदर लग रहे हैं यार देखने में। देखो गाइस हम यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं भाई, ये है कुछ ये लोकेशन, तो सोचे ही नहीं था कि यार ये हमारे रास्ते में भी आएगी चीज। व्हाट अ व्यू यार। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे है मी टू फैमिली, आई होप एवरीवन गुड, और गुड होने भी चाहिए गाइस, रही मेरी बात है माल से गुड। तो गाइस सामने चेक करो, ये रही अपनी प्यारी एंटोर्क। तो गाइस आज मैंने ना ये डबल स्टैंड पे खड़ी कर रखी, आपको ना आज इसके बारे में कुछ बातें बताना भी चाहता हूँ। तो गाइस ना ब्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से हम डेली अपना ब्लॉग स्टार्ट करते, जो अपनी एंटोर्क में थोड़ी कम आती है ना माइलेज वगैरह। तो गाइस मुझे उसका ना सिर्फ एक ही रीजन लगता है कि भाई वो रीजन है अपना एग्जॉस्ट। ये एग्जॉस्ट है ना भाई, ये ना स्कूटी के हिसाब से भाई बहुत हैवी एग्जॉस्ट है, ये ना एप्रोपोविक वगैरह एसी वगैरह से थोड़ा लाउड काम है, लेकिन भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छी साउंड क्रिएट करता है। तो मैं ना अभी आपको एंटोर की एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ कि भाई एग्जॉस्ट साउंड कैसी है। गाइस ये है कुछ अपने एंटोर की एग्जॉस्ट की साउंड, ये देखो गाइस कितनी प्यारी साउंड आ रही है ना गाइस। मुझे लगता है कि इसी की वजह से ना अपनी एंटोर में थोड़ी कम माइलेज आती है, बाकी कोई रीजन नहीं है। कसम से भाई जितनी मैं इस एंटोर की तारीफ करूँ ना भाई उतनी कम है, क्योंकि भाई इतनी प्यारी एंटोर है ना भाई, बहुत सुंदर एंटोर है यार, सीरियसली यार आई लव दिस मशीन यार, इसका कोई भी मुकाबला नहीं है भाई कोई भी। यहाँ पे ज्यादा ना बात करते हुए मिलता हूँ आपको एंटोर पे। तो फाइनली गाइस यू कैन चेक इट कि भाई मैं आ गया हूँ अपनी प्यारी एंटोर पे, और गाइस यहाँ से ना अपनी अब राइड हो गई स्टार्ट खतरनाक वाली। और गाइस आज हम आपको बताने वाले हैं कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं, बहुत बेहतरीन जगह पे जाने वाले हैं, आपको बहुत मजा आएगा सीरियसली यार। एंटोर ना भाई सबसे बेस्ट मशीन है यार, सीरियसली यार। गाइस अपनी एंटोर भी यहाँ पे ना फुल टू फुल भाग रही है, और गाइस हमने ना अभी पेट्रोल फिलअप भी करवा लिया अपनी। जब ये लाइट जो ये फ्यूल इंडिकेटर की लाइट होती है ना भाई, जब ये बंद हो जाती है ना दिल खुश हो जाता है यार। तो भाई देखो यार मैं फ्लाई ओवर आ गया, और भाई फ्लाई ओवर यहाँ से देख रहे कितना सुंदर लग रहा है, नहीं तेज भागती है एंटोर यार बहुत ही ज्यादा तेज। स्कूटी आप किसी भी कंपनी की ले लो, कोई भी स्कूटी ले लो भाई, अगर इस एंटोर का कोई मुकाबला कर सके ना भाई तो मुझे बताना, क्योंकि भाई एंटोर ना भाई बहुत बेस्ट है यार, भागने में इतनी तेज है कि भाई आप समझ ही नहीं सकते कितनी तेज है यार। गाइस हम पहुंच चुके हैं टूल प्लाजा पे, और टूल प्लाजा को करते हैं क्रॉस। एंड भाई अभी ना आपको एक साउंड सुनाता हूँ, ये देखो ये भाई ये जो साउंड है मेरे को बहुत पसंद है भाई, मैं यहाँ से जब भी क्रॉस करता हूँ ना मैं इस साउंड को जरूर सुनता हूँ यार। तो भाई देख रहे हो हम अभी ना किसी पिंड से होकर गुजर रहे हैं, और भाई यहाँ पे कितनी डस्ट वगैरह ना बहुत ज्यादा डस्ट है यार, ओ माय गॉड। भाई ये देख रहे हो ब्रिज, ओ माय गॉड कितना सुंदर लग रहा है ना यार। बस यहाँ पे ना भाई रोड थोड़ा खराब है भाई, देख रहे हो माय गॉड कितना डस्ट उड़ रहा है यार, इसे आगे निकालता हूँ भाई, बहुत डस्ट उड़ रहा है यार, मैं इसके पीछे नहीं रह सकते यार इतनी देर। ये देखो भाई तीसरा ब्रिज आ गया यार, अभी तक ना मैंने तीन ब्रिज पार कर दिए, और भाई यहाँ पे ना भाई बहुत अच्छा व्यू है यार, देख रहे हो यहाँ पे रोड कितना प्यारा आ गया भाई। गाइस आप वो वहाँ पे जो देख रहे हो वो है हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ, आज हमें जाना है उस चोटी पे। गाइस सामने देख रहे हो पहाड़ कितना बड़ा नजर आ रहा है ना सामने, देखो यार हम ना अब ऊपर चढ़ने वाले हैं भाई, पहाड़ों के ऊपर हमारी अब चढ़ाई हो रही है, और भाई देख रहे हो कितने खतरनाक खतरनाक कट हो रहे हैं, देख रहे हो भाई कितना ब्लाइंडली कट है भाई, दिख ही नहीं रहा यार सीरियसली यार, कितना खतरनाक है भाई सामने से पता नहीं ऐसा कट होगा। ओ ओ माय गॉड भाई कितना खतरनाक कट है भाई, कितना ऊंचा कट है यार ये, यहाँ तो भाई हिमाचल प्रदेश से भी खतरनाक कट है यार। लेकिन भाई यहाँ पे एक बात है यार, यहाँ के जो रोड बन रखे हैं ना भाई वो बहुत अच्छे रोड बन रखे हैं, देख रहे हो ओ माय गॉड। गाइस जो मेरे को सबसे ज्यादा खतरनाक कट लगता है ना, मारते हुए ऊपर चढ़ता है ना बंदा भाई किसी भी गाड़ी वगैरह से, तो भाई वो वाला कट मुझे बहुत खतरनाक लगता है। यहाँ पे ना यार साइड में यार बजरियां पड़ी हैं यार रोड बनने वाली ना, तो भाई उनका बहुत डर रहता है, क्योंकि भाई उनसे फिसलन वगैरह रहती है ना हमेशा। साइड में रोकता हूँ कहीं एंटोर को, अंदर दिखाता हूँ आपको यहाँ से व्यू कैसा आता है। तो गाइस अभी ना मैं यहाँ से आगे जाना है, और भाई वहाँ पे देख रहे हो वो देख रहे हो कितनी बड़ी पहाड़ है, तो हमें उसके सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे जाना है। यहाँ पे देखो भाई ये खड़ी अपनी प्यारी एंटोर, भाई हम यहाँ पे रुके थे, और नीचे से व्यू देख रहे हो भाई कैसा व्यू है सीरियसली यार, खतरनाक लग रहा है देखने में। तो गाइस वहाँ पे ना आपको छोटी सी सड़क दिख रही होगी, भाई यहाँ से बहुत दूर है ना, पूरा रोड क्रॉस करके यहाँ पे आया। ये रे भाई अपने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ जो कितने सुंदर लग रहे हैं यार देखने में। यहाँ पे ना आके भाई ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वहाँ पर आ गए जहाँ पे मैं आपको कह रहा था ना कि हमें इस पॉइंट पे जाना भाई, वो हम पहाड़ की चोटी पे। तो गाइस हम अभी उसी चोटी पे चढ़ रहे हैं, और भाई ये रही सामने अपनी चोटी, और भाई अभी ना एक चीज बहुत अच्छी हो रखी है कि भाई धूप निकल रखी है, अगर भाई धूप ना होती ना और भाई क्लटी वाला मौसम होता। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हो भाई काम चल रहा है, ओ माय गॉड। तो गाइस अभी ना मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ भाई, ये देख रहे हो भाई कितना खतरनाक लग रहा है भाई, यहाँ पे काम चल रहा है, पूरा रोड लैंडस्लाइड हो रखी है भाई यहाँ पे, खतरनाक लेवल वाली भाई। अब यहाँ से व्यू देखो भाई, यहाँ से व्यू देख रहे हो, ओह माय गॉड आप व्यू देख लो भाई कितना बढ़िया लग रहा है, और भाई यहाँ पे लैंडस्लाइड भाई खतरनाक लेवल वाली हो रखी है बहुत ज्यादा। ये देख रहे हो भाई पूरे पहाड़ का पहाड़ नीचे आ रखा है यार, इतनी ऊंचाई पे आ गए ना यार सीरियसली यार। तो गाइस आपके कहने पे यार मैं रुकी गया भाई, मैं ना अभी यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भाई ये ना व्यू नहीं दिखा रहा, तो भाई मैं आपको ना पूरा व्यू चेक कराता हूँ यहाँ से एक बार, कितना सुंदर लग रहा है ये देखो भाई।
ओ माय गॉड भाई, व्हाट अ व्यू यार। भाई मेरे को ना यहाँ पे खड़े होकर भाई बहुत ज्यादा डर लग रहा है। नीचे देखो भाई पूरी खाई है, अगर बंदा यहाँ से गिरा ना भाई बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। बाकी भाई देख रहे हो कितना खतरनाक लग रहा है यहाँ पे सीन। भाई नीचे उतर जाता हूँ, ज्यादा जोखिम नहीं लेते ना यहाँ पे। ये देखो भाई खतरनाक लेवल वाला ऑफ रोड आ गया भाई। और भाई धूप वगैरह से ना यहाँ से पहाड़ बहुत सुंदर नजर आ रहा है यार। मैं यार आपको कितना ही रुके दिखाऊं यार, उतना जितना रुके दिखाऊं ना भाई उतना ही कम है। यहाँ पे हर दो मिनट बाद इतना खतरनाक व्यू आ रहा है ना, बहुत ही ज्यादा यार। तो भाई मैं ज्यादा नहीं रुकता यार, सीधा ना अपने मेन पॉइंट पे चलते हैं जहाँ पे हमें जाना। ओह माय गॉड, कौन कहता यार एंटॉक से ऑफ रोड नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल हो सकता है भाई। ये जो मशीन है ना भाई बहुत बेस्ट मशीन है भाई, ये ऑफ रोड और ये ड्रैग रेस एंड भाई हर चीज में नंबर वन पे आती है भाई। ये मशीन बहुत सुंदर है और भाई लीन करने पे भी भाई यहाँ पे आके एक चीज तो भाई बहुत अच्छे से नोटिस की भाई, यहाँ पे ना हिमाचल प्रदेश से बहुत खतरनाक कट है भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक। तो गाइस काफी टाइम बाद यहाँ पे इतनी प्यारी रोड आई है भाई कि पूछे मत यार। ये तो भाई मक्खनवर की रोड है यार, बहुत अच्छी लग रही है यार देखने में रोड। तो भाई अभी तक ना हम सिर्फ ऑफ रोड ही कर रहे थे भाई, क्योंकि ऑफ रोड यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑफ रोड है भाई। वाइजर बंद कर लेता हूँ, यहाँ पे हम भगाते अपनी एंटोर को, थोड़ी भाई नॉर्मल स्पीड में भगाएंगे लेकिन। ओह माय गॉड, तो गाइस अभी आपने देखा यार ऐसा लग रहा था कि भाई नीचे रोड ही नहीं है, लेकिन भाई नीचे रोड था यार। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस फाइनली वी आर रीच हियर कि भाई जहां पे हम आना चाहते थे हम वहां पर आ गए। और गाइस सामने चेक करो भाई, वहां पे ना पार्किंग भी दे रखी है 7 to 8 PM। देखो गाइस हम यहां से हम नीचे उतर रहे हैं भाई, ये है कुछ ये लोकेशन जहां पर हम आए हैं। तो भाई देख लो ये ओवरऑल, तो गाइस ये ना मोरनी के अंदर पड़ती है, तिक्कल ताल नाम है इस जगह का ना। तो गाइस वहां पे वोटिंग वगैरह भी, अभी ना वोटिंग वगैरह भी करेंगे, देखेंगे देन सारी चीजें भाई। आई होप गाइस आपको ये लोकेशन बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ब्यूटी कितनी कैंटन है यार, बहुत सुंदर ब्यूटी है यार। यहाँ पे ना भाई खेती वगैरह भी हो रही है यार, मैंने तो भाई सोच ही नहीं था यार यहाँ पे ना खेती वगैरह भी होती होगी। देख रहे हो भाई हमारे साइड में ना ये खेती खेती हो रखी है। और भाई भी है भाई जगह बहुत बेहतरीन है यार। तो गाइस हम पता है कौन सी जगह आ रखे है, हम आ रखे है भाई मोरनी, और मोरनी में आ रखे थे हम तिक्कल ताल। गाइस चढ़ाई देख रहे हो यार यहाँ पे इतनी ज्यादा भाई चढ़ाई है ना। ओह माय गॉड, ओह भाई। अब गाइस यहाँ से ना बहुत ज्यादा कटिंग होने वाली है भाई, खतरनाक वाली भाई। अभी ना मैं पूरे में कटिंग करता हुआ आ रहा था और भाई मजा आ रहा था ना भाई कटिंग करने में। और लेकिन बस भाई यहाँ पे ना एक चीज का डर है कि भाई यहाँ पे ना देख रहे हो भाई बजरी पड़ी है साइड में बहुत ज्यादा भाई। बजरी पे ना भाई देखो गाड़ी कोई सी भी हो फिर फिसलती है भाई, सिर्फ कार को छोड़ के भाई। एक बात है यार हिल्स पे राइडिंग करने का ना यार एक अलग ही लेवल वाला मजा है भाई। देख रहे हो मैंने कितनी दूर से ब्रेक मार रहा हूँ, मेरे ब्रेक कहाँ पे आके लग रहे हैं भाई। ये देखो यार यहाँ का साइड का कुछ भी नजर नहीं आ रहा भाई, अब उतरते हुए नजर आएगा। ये देखो भाई अब आया ना नजर आपको। गाइस यहाँ पे तो भाई फुल टू फुल मजा आ रहा है यार अपनी एंटोर को भगाने का, क्योंकि भाई देख रहे हो एकदम से कार आ गई यार। यही कटिंग ना भाई यहाँ पे बड़ी खतरनाक लगती है यार मुझे, और आपको भी आई होप भाई मजा ही आ रहा होगा इस राइड में। और राइड में एंजॉयमेंट हो रही हो तो आपको बताइए क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है अपने भाई के चैनल को। गाइस बस इसी रोड पे लेके चलते हैं अपनी एंटोर को भाई। यहाँ पे ना मैंने बिल्कुल भी भाई थ्रोटल कम नहीं करना है, थ्रोटल को पूरा रखना है। और देखते हैं भाई यहाँ पे अपनी एंटोर कितनी जाएगी। ओ माय गॉड, ये कौन थी? ओह माय गॉड, ओ भैया ले गए। तो चलो कोई बात नहीं भाई, उनके पास बाइक वगैरह तो कोई जाने दो यार उन्हें। हम तो गाइस सामने चेक करो भाई, हम आ गए अब चंडीगढ़ के अंदर। हो भाई चंडीगढ़ ये लिखा है अपने पास, और गाइस यहाँ अपने लीन आता है बड़ा तगड़ा वाला। तो गाइस ये देख रहे हो लीन, देख रहे हो। तो गाइस ये लीन ना भाई मेरे को बहुत पसंद है यार। ओह माय गॉड, गाइस यहाँ पे ना भाई ग्रीन लाइट हो रखे, तो भाई यहाँ से निकल लेते हैं। होप गाइस ये जो ब्लॉग था आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इस ब्लॉग से आपको बहुत ज्यादा मजे आए होंगे। तो गाइस इसी ट्रैफिक को देख के भाई मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड, और मिलता हूँ नेक्स्ट प्यार से बॉम्ब से ब्लॉग में। जब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ माय यूट्यूब फैमिली।